ये वाला नंबर था जिसमें मैसेज कर दिए थे कि वो बोला था कि वे बैंक का नंबर है, तो इसमें मैसेज कर दिए सर आई जस्ट वॉन्ट लॉटरी हाउ कैन आई गेट माई प्राइस। तो वो उनको ये वाला ऑडियो भेजा, देखिए 3 मिनट का आपको सुना रहे। जी सर, सर सुनिए, सर आपने जो मुझे मैसेज सेंड किया है ना सर, वो मैसेज आपका मैंने इनामी लिस्ट में कंप्यूटर में चेक किया है और आपका चेक पहुंचा है ऑलरेडी कंप्लीट होकर 25 लाख रुपए का। वेरी वेरी हैप्पी कंग्रेचुलेशन हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, आप और आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामना बधाई हो सर। सर ये लॉटरी ना आप खेले हैं, ना आप खरीदे हैं, ना आपके नाम पर चेक खुला, ये ओपन मेरिट पर कॉम्पिटिशन किया था, 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ करवाया था। जो लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, जो लोग मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं, जो लोग ईमो यूज़ कर रहे हैं, इन कंपनियों के इन ऐप के जो मालिक होते हैं, जो इन कंपनियों के ऐप के ऑनर होते हैं, ये KBC डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में ओपन मेरिट पर कॉम्पिटिशन करवाया जाता है, ठीक है। ये KBC डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में 10,000 से लेकर 25,000 सिम तक पब्लिक कुरंदाजी की थी, तो पब्लिक कुरंदाजी में आपका व्हाट्सअप नंबर शुमार था, आपका नंबर शाले बागुआ, कंप्यूटर ने आपके नंबर को उठाया है, 2.5 मिलियन 25 लाख रुपए का बिग प्राइज लॉटरी आपके नंबर पे सिलेक्ट विन हो चुका है, जो आपको लॉटरी का पैसा प्रम्प्ट रिसीव कैश आउट होगा सर। लॉटरी का पैसा लेने के लिए, कैश करवाने के लिए आपको कंपनी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऑप्शन ये मिला है कि आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट नंबर चालू है, तो आप मुझे वेरीफाई कर सकते हैं कि सर मेरा इस बैंक में खाता चालू है और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में सर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सर आप ऐसा कीजिए, अपना नाम, अपने बैंक का नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना आधार कार्ड ये फ़ौरन से मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं और आपके नाम की डिटेल्स एक्टिवेशन तैयार की जाए और आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाए। तो फिर आपने अपने बैंक जाना है, अपने बैंक जाकर आपने अपना पैसा चेक करना है, और आपने चेक करने के बाद 2-4 लाख रुपये निकलवा कर हमें कमबैक कॉल लगा कर थैंक यू बोल देना कि आकाश वर्मा थैंक यू, पैसा आ चुका है और हमने पैसा रिसीव कर लिया। गरीब आदमी हो, माता पिता की दुआओं के कारण आप जीते हैं 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ ओपन मेरिट कॉम्पिटिशन के कारण बिग प्राइज के आप मालिक बन चुके हो। भगवान ने एक आपको अपनी लाइफ बदलने का, एक आपको अपनी ज़िंदगी संवारने का बहुत बड़ा मौका दिया है, जो आज जो आप और आपके परिवार वाले सब खुशियों का सामना करने वाले हैं। भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देगा, भगवान की कृपा हो चुकी है, माता पिता की दुआओं के कारण आपको इतना बड़ा मौका मिला है। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, भगवान ने अगर ये मौका दिया तो इसे ज़ाया नहीं करना है, आपको जैसा कहा जाए उसी पे फॉलो करना है और लॉटरी का पैसा प्रम्प्ट करना है। लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी, शोबाजी, ढिंडोरा बिल्कुल नहीं पीटना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खुशी के मारे लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी शोबाजी कर देते हैं तो आपकी सिम को कंप्लेन में बंद करवा दे, या आपके नंबर का कोई और व्यक्ति व्हाट्सअप चुरा ले या व्हाट्सअप अपने नंबर पे बना ले, तो आपका लॉटरी का पैसा वो आउट व्यक्ति भी प्राप्त कैश करवा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भारत देश में 2 मरतबा हो चुका है कि लॉटरी किसी और का होता है और कैश कोई और करवा लेता है, और इसके कारण कि लोग खुशी में आकर बता देते हैं, इन उनको पता नहीं चलता है, उनकी सिम रिप्लेस डुप्लीकेट हो जाती है। तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके लिए रिक्वेस्ट है, आपने लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी शोबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आपका लॉटरी का पैसा आपको प्राप्त नहीं होता है, तब तक लॉटरी के बारे में आपने सावधान रहना है। इज ओके सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल सेंड कीजिए, सेंड करने के बाद आप मुझे कॉल लगाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। देख रहे हो गाइस कितना अच्छा से स्पीच दिया भाई ने, अरे बस पूरा सच समझ गए थे एक मिनट के लिए, फिर याद आया अरे तो हमको उल्लू बना रहा है, कितना अच्छा अल्फाज। अरे इसको भाई को बोल रहे अगर तुम स्पीकर बन जाते ना, जो होता है बच्चे लोग का प्ले में नरेटर वगैरह, तो अच्छा पैसा कमाते हैं, इससे नहीं कमा पाएगा। अब दुनिया में हम लोग की तरह तेज आदमी ज़्यादा हो गया, अब नहीं हो पाएगा भाई। ओह तो ठीक है, हम अपना कुछ आधार उधार कार्ड का फेक वेक बना रहे हैं, अभी थोड़ा देर में एडिट उडिट करके उसको भेजेंगे, और फोटो हम अपना फूफा का भेज देंगे, फूफा विधायक है ना, इसलिए फूफा का भेजेंगे फोटो, आधार कार्ड भी उन्हीं का भेजते हैं। मजाक करेगा इस, कोई विधायक नहीं है हम लोग का, बस हम लोग का फूफा ही नहीं है, और फिर होगा हम देखे नहीं, आई एम सो सॉरी गाइस। चलो गाइस इसको अभी एंड कर रहे वीडियो, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप देख लेना कि क्या हम आगे इसको मैसेज कर रहे, बहुत अच्छा घुमाइए गाइस इसको, हम टाइम पास करने के लिए अच्छा आदमी मिल गया हमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।